स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। एमएलवी वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। लखनऊ के वरिष्ठ धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने की प्रेस वार्ता। हुसैनाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन व जिलाधिकारी लखनऊ के फैसले का जताया कड़ा विरोध। कोरोना महामारी के नाम पर ऐतिहासिक बड़ा इमामबाड़ा और छोटे इमामबाड़े को टूरिज्म के लिए खोला गया। कल्बे जवाद मौलाना ने कहा, इमामबाड़े के तामीर आजादारी के लिए की गई है और आजादारी की अनुमति दिए बगैर इमामबाड़े में पर्यटकों के प्रवेश की अनुमति देने शिया समुदाय के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करने जैसा लग रहा है। कल्बे जवाद। लखनऊ संवाददाता सिराज हैदर की रिपोर्ट। पचास मरतबा हुई, एक दफा नहीं, पचास मरतबा वहाँ से लेकर मायावती सरकार से लेकर और आज की सरकार तक। किसको शामिल करने की बात कर रहे हैं? भाई यहाँ इसने इसकी कमेटी जैसी थी, इस कमेटी पूरी बनना चाहिए। पहले पूरी कमेटी थी इसमें, जिसमें पर्यटकों का आने का इजाजत दी गई, उसके बाद जो मजलिसों को बोला गया उसके बारे में बात हुई, क्या हुआ? नहीं, कोई इजाजत नहीं की तरफ से, वो लिखित में देने के तैयार नहीं है, कुछ भी लिखित में देने के तैयार नहीं। योगी सरकार एक के बाद एक है, योगी सरकार एक के बाद एक ऐसे नाम उठा रही है एक पर्टिकुलर कमेटी के लिए, उसका विरोध खुलकर क्यों नहीं होता है? सरकार जिस तरह से बात, इससे तक खुलकर क्या होगा? आपके सामने सब कह रहे हैं और क्या चीज खुलेगी? आपने जैसे कहा कि हमने अखबारों में पढ़ा, कोई लिखित आदेश नहीं आया और फिलहाल अभी तक खुला भी नहीं है पर्यटकों को, आप कैसे कह सकते हैं कि वो खोल रहे हैं? नहीं, हम कैसे ये कह सकते हैं कि अगर वो खोलें तो उसके साथ ज्यादा दे, हमारे साथ अगर लगा हुआ है, अगर खोलें तो 24 तारीख से अगर खोले पर्यटकों के लिए तो मजलिसों की भी यहाँ पर पूरी तरह इजाजत होना चाहिए। इजाजत नहीं देती तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? तो उसमें तो यही है कि हम लोग फिर बगैर इजाजत की मजलिस करेंगे यहाँ पर। ठीक,